राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर तैयारी कर रही हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव से पहले कई नेता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तो वही कुछ नेता बीजेपी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हुए। इसी को लेकर, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। कितना भी गंदा से गंदा नाला जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र ही माना जाता है। कांग्रेस का जो नाला है, मतलब ये कहना है आपका, आपका क्या कहना, सही बताइए। वो भावार्थ आप कर लीजिए। हमको अभी क्या इस कांग्रेस ने विधानसभा से नहीं निकाला, लंबे समय तक निकाला। और मैं तो चुनाव दूसरा लड़ रहा था तब भी वहां किताब में लिखा हुआ था विधानसभा की में, मदन दिलावर को अभी विधानसभा से निकाला गया है। अरे भारतीय पार्टी ने तो कम से कम उनको वापस तो ले लिया था। हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी को जीतना था, क्योंकि लगातार पहले से भारतीय पार्टी जीतती आई, इसलिए कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं थे। राजस्थान में भी आपने स्थिति देखी होगी, वहां भी कैसे किसी चीज को तैयार किया होगा, तो जान बूझ करके उन्होंने अपने आवेदन में कमियां छोड़ी होगी, जान बूझ करके गड़बड़ किया होगा, तो चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया। अब चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, अपना काम करता है, वो करेगा उसे तो भारतीय पार्टी का जोर चलता है ना कांग्रेस का जोर चलता है। अरे तो एक तो जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अमुक कार्यकर्ता ने हमको ये धमकाया है। अभी तो चुनाव आयोग के अंडर में सारी मशीनरी है, चुनाव आयोग सख्ती से कार्रवाई करेगा। अच्छा अच्छा, दूध जलेबी खा करके सो गए, इसलिए हमारे कार्यकर्ता संपन्न तो है, अच्छे कार्यकर्ता तो है, उनको खाने को तो है, कांग्रेसियों को तो खाने को मिल ही नहीं रहा बेचारों को, वो तो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं वो तो। दरअसल कोटा में मदन दिलावर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर मदन दिलावर ने कहा, जैसे गंदे नाले का पानी सरस्वती नदी में मिल जाए तो वो पवित्र हो जाता है, भाजपा तो सरस्वती की तरह है, जो भी मिलता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।